आज 14 जून है और ये हम लोग वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाते हैं। और इस टाइम मैं आपको परिचय कराता हूँ, मेरे साथ जो बैठे हुए हैं नवनीत खुराना जी बैठे हुए हैं और इनकी लगभग उम्र उनकी 44-45 साल है। और इनकी जर्नी आप सुनेंगे तो बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही अच्छी है और प्रेरित करने वाली है। इन्होंने अपनी 98 में जर्नी स्टार्ट की थी ब्लड डोनेट करने की। ये दिल्ली गए हुए थे घूमने के लिए और कहीं वहां पर इनको दिखाई दे दिया कि कोई एक रक्त शिविर लगा हुआ है, रक्तदान शिविर, और इन्होंने पहली बार वहां पे दिया था। और इन्होंने अभी 3 महीने पहले 136 अपनी 136वीं डोनेशन की थी और आज 137वीं डोनेशन कर रहे हैं अपनी यहाँ पे। और इससे ज्यादा जो इनकी जर्नी है वो अपने आप बताएंगे। और ये एक बहुत अच्छे साइकिलिस्ट भी हैं, अभी ये साइकिल से इस गर्मी में अभी 2 दिन पहले ये हरिद्वार की यात्रा भी करके आए हैं। और अपना कुछ आप बताएंगे, अपने बारे में और बताएंगे। मेरा नाम नवनीत खुराना है। मैं 1998 से मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया था। उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा लोगों की मदद करके कि मैं लोगों को प्रेरित भी करता हूँ कि भैया ये ब्लड डोनेशन ही ऐसा एक चीज़ है जिसमें आपको बाहर तो आप शांति मिलती है, अंदर भी आपको बहुत शांति मिलती है और इससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। जो आपका ब्लड गया है वो 2 से 3 महीने के अंदर बिल्कुल एक्यूरेटली आ जाता है बन के। तो इसलिए आपको जिसको भी ब्लड डोनेट करना है आप बिल्कुल जरूर करिए। मेरा ओ नेगेटिव है, थोड़ा रेयर ब्लड ग्रुप है मेरा, इसलिए मेरे को डोनेशन की कॉल्स जयपुर तक से आई है, भोपाल भी गया हूँ मैं, चंडीगढ़ भी गया हूँ मैं, लखनऊ भी गया हूँ, ऑलमोस्ट कई जगह से मेरे कॉल आती है। आपको जब भी मौका पड़े ब्लड डोनेट करने के लिए बिल्कुल जरूर करें। धन्यवाद। आईएमए डॉक्टर वाई के खुराना पीडियाट्रिशियन है, आईएमए मेरठ के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2 साल के लिए और उन्होंने मुझे बहुत ही हमेशा सपोर्ट किया है डोनेशन के लिए भी और साइकिलिंग के। मेरे इंस्पिरेशन जो है मेरे फादर थे, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है ब्लड डोनेशन करने के लिए। वो खुद भी अपने टाइम पे अच्छे ब्लड डोनर थे और मुझे भी उन्होंने खूब सपोर्ट किया है डोनेशन करने के लिए। मेरा नाम दीपक त्यागी है और पिछले 10-12 साल से मैं करीब जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपना रक्तदान करता हूं और कोशिश ये करता हूं कि दूसरे लोग जो इस चीज़ से थोड़ा डरे हुए होते हैं उनको भी मैं अपने तरीके से डॉक्टरों से मिलवा के उनको रक्तदान के लिए प्रेरित करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अचानक ही मान लिया किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें कहीं कोई कुछ चीज़ नहीं मिल रही। अभी एक न्यूज़ एम्स से आई थी, पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसे हैं कि जो रेयर हैं, बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, उसके बारे में तो खैर डॉक्टर साहब भी पूरा बता सकते हैं। एम्स का ही मैं बता रहा हूँ कि वो जापान से हमें जो है ब्लड मंगाना पड़ा उस बच्चे के लिए जो अभी माँ के पेट में है, उसको बचाने के लिए हमें जापान से ब्लड मंगाना पड़ा। और वर्ल्ड में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उस ब्लड ग्रुप के हैं। तो मेरा आपसे यही सब सभी लोगों से है कि जब भी आपको मौका मिले रक्तदान जरूर करें। कलेंद्र कुमार शर्मा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और इससे पहले टर्म में मैं वाइस चेयरमैन था और मैंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे कैंप लगाए और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी कराई। और मैं 2002 से 2003 से मैं संस्था में हूँ। एक अवनीश अवस्थी जी थे, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और हम आजकल विशेष सचिव हैं, प्रमुख सचिव भारत उत्तर प्रदेश सरकार में। पहली बार मुझे उन्होंने नॉमिनेट किया था और चूंकि मुझे इसमें काम करना बहुत अच्छा लगा और जैसे कि हम लोग ये आज विश्व उसका दिवस है, ब्लड डोनेट वाला रक्तदान दिवस है, तो इसमें है कि लोगों को, व्यक्तियों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए जिससे कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं क्योंकि जिंदगी अमूल्य है, इसे किसी भी ब्लड देने से बचाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतने रेयर केस होते हैं, बी नेगेटिव ओ नेगेटिव ढूंढने से नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमारे पुराने जी थे, ये इनके अंदर मैंने जज्बा देखा और ऐसे जज्बा देने से ही जो हमारा वो नेगेटिव आया, जो रेयर केस होता है वो उससे किसी की जान बचा सकते, क्योंकि पता चला कि ब्लड नेगेटिव चाहिए और वो हमें मिल ले रहा है। तो इसी को देखते हुए ऐसे आदमी को बहुत सम्मानित करना चाहिए समय से। सचिन कुमार त्यागी है और मैं टीचर हूँ यहाँ पे और त्यागी हॉस्टल में वार्डन हूँ और ये मेरा 43वीं बार है, 43 टाइम्स लगभग पिछले 20 साल से मैं
ब्लड डोनेट करता रहा हूँ, हमेशा वॉलंटियर ब्लड डोनर रहा हूँ। और ब्लड डोनेट करने के बाद मुझे बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि किसी की हमने मदद की। और मैं अपने सभी मिलने वालों को, सभी दोस्तों को भी मोटिवेट करता रहता हूँ कि वो भी आए और रक्तदान करें और किसी का जीवन बचाएं। मेरा नाम सचिन त्यागी है, मैं त्यागी हॉस्टल से हूँ। अक्सर मैं हर 3-4 महीने ब्लड डोनेट करता रहता हूँ, इससे आपका ब्लड का फ्लो सही बना रहता है बॉडी के अंदर और काफ़ी बीमारियाँ आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। अभी यदि ब्लड डोनेट करते हैं तो कम से कम आप 4 जीवन को बचा सकने की क्षमता रखते हैं, तो इसलिए ब्लड डोनेट करते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम संदीप त्यागी है, मैं 5वीं बार डोनेट कर रहा हूँ। डोनेशन करना चाहिए, किसी की जान बच सकती है हमारे ब्लड देने से। हम माछरा से हैं, हम धीरज त्यागी नाम है जी, पिताजी का नाम स्वर्गीय विजेंद्र नाथ त्यागी। हम किसान का जीवन जीते हैं जी, वैसे तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी विश्वविद्यालय से, और रक्तदान के लिए हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं लोगों से कि वो रक्तदान करेंगे तो जीवन यापन का काम करेंगे लोगों के, क्योंकि जब रक्त की जरूरत आती है तो उस समय हम एक बहुत बड़ा जिंदगी देने का काम कर रहे हैं लोगों को। जीवन दान दे रहे हैं आप, रक्तदान ही नहीं एक जीवन दान दे रहे हैं। आज का दिन 14 जून हमारे देश में, पूरी दुनिया में रक्तदाता दिवस के नाम से प्रचलित है, जिसे हम खूब धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए और लोग करते भी हैं। रक्तदान करने से हम किसी एक अनजान आदमी की जान को बचा सकते हैं, जिसे चाहे हम जानते हैं या नहीं जानते।